एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। अभी सुबह तो नहीं, अभी 11 बज चुके हैं लगभग। मेरा सारा काम खत्म हो गया, ये मेरा लंच सारा बन चुका है। इनके पापा ऑफिस चले जा चुके हैं और चेरी स्कूल जा चुकी है और मैं और कोको बस है घर पे। देखिए टमाटर खाने का कोशिश कर रहा है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरा सारा काम तो कम्प्लीट हो चुका है। तो इस बार मैंने मूली का अचार नहीं डाला, पैर का अचार बनाया था वो तो मैंने दिखाया नहीं। कोको कोको ये देखिए इसका स्टार्ट चढ़ना। ये जब भी मैं कैमरा लेके ऑन करूंगी इसको भी गोद में चढ़ के सबको दिखाना पड़ता है कि ये मम्मी के गोद में बैठता है। ये रहा अपना ला। तो मैं अभी मूली काट रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैंने इतना मूली काट लिया है, इतना मूली काट लिया। कल मैं ना हाथ से काट रही थी तो मेरा पूरा हाथ में इधर पूरा जलने लग गया था। तो आज मैं चॉपिंग बोर्ड यूज कर रही हूँ। तो अभी काम भी फटाफट हो रहा है तो इसको मैं सुखा लेती हूँ पहले। इसके बाद मैं सोच रही हूँ उस दिन जो मैं कटर लाई थी ना उससे मैं मोमो बना लेती हूँ। आज उसका चेकिंग भी हो जाएगा वो कितना काम करता है। तो आज शाम को मैं मोमो बनाऊंगी तो उसका रेसिपी आज मैं फुल रेसिपी दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं मोमो कैसे बनाती हूँ बोलकर। तो साथ में बने रहिए, तब तक मैं ये मूली काट के सुखा लेती हूँ। अभी मोमो बनाने जा रही हूँ तो मैं यहाँ पे प्याज ग्रेट कर रही हूँ और ये थोड़ा सा मैंने ग्रेट कर भी लिया है। ये जो वही ग्रेटर है जो मैं लेके आई थी आपको दिखाया था, इसमें मैं ये छोटा सा अदरक भी ऐड करूँगी। तो ये मैं ग्रेट कर लेती हूँ। ये ग्रेटर का कमाल देखिए, मैंने जो गलती की है वो आप मत करिएगा। मैंने यहाँ पे अदरक जो था ना वो डाल दिया था, जो कि थोड़ा सा ग्रेट करने के बाद ये बड़ा बड़ा हो गया है। खास को हम लोग को ग्रेटर से जो होता है ना कद्दूकस करने वाला उससे ग्रेट करने से अच्छा होता है। ये अब बड़ा बड़ा पीस हो गया, रहने देते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं या मैं इसको थोड़ा और मिक्स कर लेती हूँ। अब ये थोड़ा फाइन हो गया है, इतना चलेगा देखिए। फिर भी आप लोग मतलब जब करेंगे तो वो कद्दूकस करने वाला होता है ना उससे मतलब ऐसे करिएगा, ग्रेट करिएगा, इससे थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है तो मुंह में आता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मैं बंदा गोभी को इसके अंदर ही करूँगी तो आपको दिखाऊंगी वो भी। मैं ये प्याज का कंप्लीट हो गया तो अभी बंदा गोभी दिखाती हूँ। तो ये धनिया पत्ता है इसको भी मैं डालती हूँ क्योंकि इसको भी मैं इसमें ही ग्रेट कर लेती हूँ तो एक जैसा हो जाएगा। चॉपर में ही अच्छा नहीं होता है तो आप लोग नहीं करिए ये। मतलब ये चॉपर वैसे अच्छा है लेकिन पिजन का ज़्यादा अच्छा था मुझे लग रहा है क्योंकि उसका जो धार था ना वो बहुत अच्छा था, एक ही बार में कट जाता था। एक से दो बार तीन बार मैक्स टू मैक्स घुमाने से सब चॉप हो जाता था। इसका थोड़ा सा जो ब्लेड है ना वो ब्लेड मुझे अच्छा नहीं लगा। धनिया इस ग्रेटर में ग्रेट नहीं हो रहा है इसीलिए मैं चाकू से ही हटाओ काट रही हूँ इसको। जो पिजन का था ना जो इससे पहले जो मैं यूज कर रही थी वो बहुत अच्छा था। मतलब उसको मैक्स टू मैक्स तीन बार अगर मैं घुमा लेती थी ना तो सब हो जाता था। तीन की जगह में यहाँ पे मुझे 10-12 बार घुमाना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, प्राइस भी तो बहुत मतलब हाफ है प्राइस, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी अब बारी है, ये मेरा हो गया धनिया पत्ता और प्याज ये मैं साइड कर देती हूँ। अब आया बारी बंद गोभी का। ये आज का मोमो वेज है, वैसे हम लोग मैक्सिमम वेज ही खाते हैं मोमो, वेज मोमो ही पसंद है हम लोगों को, नॉन वेज बहुत कम खाते हैं। पूरा यूज नहीं करूंगी, हम दोनों के लिए ज्यादा हो जाएगा क्योंकि चेरी तो खाती नहीं है, हम लोग दोनों ही बस खाते हैं। और फिर भी हम लोग हफ्ते में दो बार, दो तो नहीं एक बार तो खा ही लेते हैं, कभी कभी दो बार भी हो जाता है। तो
मेरा सुपरमैन आ रहा है इसको फाड़ने के लिए, फाड़ने के लिए, फाड़ने के लिए। कांटे को बोलो तो कांटे को जो पुगे ना तो चाकू पोसते नहीं आसान। ग्रेटर में ही ग्रेट करूंगी, नहीं ग्रेटर नहीं, सो क्या बोलते, चॉपर में ही चॉप करूंगी, चॉपर ही बोलते हैं शायद। तो मैं थोड़ा सा पानी में डिप कर लेती हूँ, वैसे भी थोड़ी देर में पानी छोड़ेगा ही। छोटा छोटा पीस में काट काट लेती हूँ, अभी देखते हैं बंदा गोभी कैसे करता है। अगर अटक जाता है ना तो इसको थोड़ा हिला लीजिएगा। देखिए इतना ही चाहिए मुझे। तो अभी ये कीमा मैंने सारा मिक्स कर लिया है, मतलब इसको अच्छे से मिक्स नहीं किया है, ये चेरी भी आ गई। इसको मतलब प्याज और ये जो बंदा गोभी था, अदरक था, धनिया था, उसको एक साथ डाल दिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा आता है। और ये जो मोमो बना कर बोलिए, और जो मैदा था ना उसको मैंने अच्छे से गूंथ के फिर छोटा छोटा ये बॉल्स बना लिया है। अब मैं बॉल्स बना के दिखाती हूँ आप लोग को मैं इसको कैसे फिल करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालना होता है, वो मैं डालना भी भूल गई थी, मैं बताना भी भूल गई थी। तो उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये मोमो बनाने का मकटू है, हम लोग इसको मकटू बोलते हैं क्योंकि हम लोग मोमो इसमें बनाते हैं। ये मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था चेरी के फर्स्ट बर्थडे पे, शायद हाँ फर्स्ट बर्थडे पे दीदी ने पूछा था क्या चाहिए, तो मैंने बोला था अभी तो चेरी बहुत छोटी है, तुम एक काम करो मुझे ये मकटू गिफ्ट कर दो, बार बार सेट गिफ्ट कर दो, तो ये पीछे तक रहता है ना, तो चेरी को मैं बता सकूँगी कि ये उसकी आंटी ने दिया था। तो ये मेरी दीदी ने दिया है, सुष्मिता दीदी थैंक यू। इसके बाद अभी चेरी भी बैठ गई है बनाने के लिए, वो बोल रही है थोड़ा हेल्प करेगी। और ये मैं निकाली हूँ, इसमें अच्छे से ऑयल को ग्रीस करके फिर अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये कीमा बन के रेडी हो चुका है और ये मेरी हेल्पर, इसको आता कुछ नहीं है फिर भी बैठी हुई है, तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ऐसा छोटा छोटा बेल लिया है, अभी मैं इसमें कीमा डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये थोड़ा सा कीमा लेके आपको इसके बीच में रखना है, उसके बाद आप जैसा भी बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद है, इसको इधर जोड़ते 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 जाना है। इसको अच्छे से सील कर देना है और टंटड़ाएं, ये बन गया, ये रहा बन गया एक। और ये मेरे पति देव ने बनाया है, वो मेरा हेल्प करना चाहता था, उसने यूट्यूब से निकाल के देख के बनाया बेचारे ने, और ये मैंने बनाया। तो अब मैं ये फटाफट बना लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, उसके बाद जब ये बन जाएगा तब मैं दिखाऊंगी कैसा बना है। तो मेरे ख्याल से मोमो रेडी हो गया है, तो दिखाती हूँ मैं, ये देखिए अपना मोमो रेडी। तो अभी अब फटाफट खाते हैं इसको क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो मोमो बन के कम्प्लीट हो चुका है, हम लोग खाने वाले हैं। ये रहा मेरा मोमो, इसके साथ मैंने ये सूप भी बनाया है और ये धनिया का अचार है, और ये खा रहा है खाना पिक्चर देखते हुए। कौस्तव है मोमो, वो अच्छा हुआ बोल रहा है। तो ये मोमो का रेसिपी देखिए और आप लोग भी ट्राई करिए, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।